मलाना विलेज, जिसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी माना जाता है। ये गांव कई मायनों में बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही खास गांव है। खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानने वाले मलाना गांव के लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को आज भी वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे कई सौ साल पहले इनके पूर्वज करते थे। इस खूबसूरत गांव के सफर पर आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि कब और कैसे बेस्ट वे में आप मलाना विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही इस विलेज के बारे में बहुत से फैक्ट्स इस वीडियो में हमें जानने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मलाना विलेज की लोकेशन के बारे में। मलाना विलेज लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही ये घिरा हुआ है चंद्रखनी और दियोटिपा जैसे बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक से। मलाना विलेज पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको भुंतर मणिकरण हाईवे पर 20 किलोमीटर तक ट्रेवल करना पड़ेगा जरी नाम के स्टेशन तक। जरी से आपको एक डाइवर्जन लेकर लगभग 14 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके बाद आप पहुंच जाएंगे मलाना विलेज के बेस पॉइंट पर। इस सफर को आप अपनी कार, टैक्सी या फिर बाइक रेंट पर लेकर पूरा कर सकते हैं, और अगर आप भी बाइक रेंट पर लेकर मलाना आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मलाना खुद तो एक खास गांव है ही, पर मलाना विलेज पहुंचने तक का सड़क का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है और यह हमें बहुत ही रोमांच से भर देता है। जरी से मलाना विलेज के बेस पॉइंट का 14 किलोमीटर का एक छोटा सा सफर है। तो एक छोटा सफर, बट इसमें हमें नेचर की ब्यूटी के बहुत से एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्स, वाटरफॉल्स, क्लिफहैंगर रोड्स, बड़ी बड़ी माउंटेन्स और डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज। मलाना विलेज एक हिडन विलेज है। जब तक आप मलाना विलेज के बेस पॉइंट तक नहीं पहुंचते, आपको इस गांव की झलक तक नहीं दिखेगी। बेस पॉइंट पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी या बाइक वहीं पर पार्क करनी होगी और अब टाइम आता है ट्रैक करने का। मलाना विलेज का ट्रैक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक है और इसके लिए आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। हमने अपना ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट कर लिया था, इसलिए हमारे पास काफी स्पेयर टाइम भी था, जो हमने यूटिलाइज किया ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लोकेटेड एक कैफे पे रिलैक्स करने के लिए। मलाना विलेज बसा है मलाना रिवर के किनारे पर, जिसका क्रिस्टल क्लियर वाटर और गशिंग साउंड इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देता है। इस ट्रैक रूट पर बहुत से वाटर सोर्सेज, जिनको लोकली जेरू भी बोला जाता है, वहां पे आप अपनी वाटर बॉटल रिफिल कर सकते हैं और अपने ट्रैक के लिए हाइड्रेटेड रह सकते हैं। साथ ही यहां पे बहुत सी शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी। मलाना विलेज के ट्रैक पर आपको बहुत से छोटे छोटे बच्चे गांव की ओर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि हंसते खेलते इस ट्रैक को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। इन्हें कई कामों के लिए गांव से नीचे आना पड़ता है, जैसे कि लकड़ी लाना हो, कोई जरूरत का सामान लाना हो या फिर स्कूल जाना हो। ये वीडियो हमने अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में शूट की है, जब स्प्रिंग मंथ की अभी शुरुआत ही हो रही है, इसलिए अभी पहाड़ों पर घास नहीं खिली है और हरियाली भी कम है। हो सकता है जब आप मलाना आए तो आपको और भी ज्यादा खूबसूरत नजारे यहाँ पर देखने को मिले। मीटर्स एलिवेशन वाले मलाना गांव में अगर आप विंटर्स में आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्नो भी देखने को मिलेगी। मलाना विलेज के ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ एक फेमस डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ हिमालयन विलेज और मलाना अ लॉस्ट आइडेंटिटी। मलाना गांव की शुरुआत बहुत पहले हुई, जब यहाँ पे जमलू ऋषि रहते थे और जमलू ऋषि ने ही यहाँ के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। मलाना
मलाना के लोग कनाशी भाषा में बात करते हैं और ये भाषा ऐसी है जिसे सिर्फ मलाना के लोग समझ और बोल सकते हैं। मलाना के साथ लगते हुए गांव भी इस भाषा को नहीं समझ सकते। मलाना विलेज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और यहाँ पर गांव के अपने ही अलग रूल्स हैं जिन्हें सभी लोगों को फॉलो करना होता है। मलाना के लोगों ने अपनी लाइफ में प्रथम स्थान दिया है जमलू ऋषि को और इनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ के लोग पूरी जिंदगी भर तहे दिल से निभाते हैं। आप अपने सामने कई सौ साल पहले कंस्ट्रक्ट किए हुए जमलू ऋषि जी के मंदिर को देख रहे हैं और साथ ही यहाँ पे सारी सोशल गैदरिंग्स भी की जाती है। मलाना गांव कल्चरली जितना रिच है शायद ही पूरी दुनिया का कोई भी गांव आज की डेट में इतना ज्यादा अपने कल्चर को फॉलो करता होगा। ये चीज आपको एक बार ही मलाना आने पर आसानी से समझ आ जाएगी। जब आप मलाना आए तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, यहाँ पर बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ के रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर आप यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएंगे और यहाँ के लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं करेंगे। विलेज के कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन को देखने के बाद मलाना विलेज क्रॉस करते हुए हम मलाना विलेज के टॉप पर पहुंच गए जहां से पूरे विलेज का बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। और क्योंकि मलाना विलेज में किसी आउटसाइडर का रुकना अलाउड नहीं है और अगर आप भी मलाना घूमने आए और आपको यहां पर रुकना है तो आपको विलेज बाउंड्री से बाहर ही रुकना पड़ेगा। मलाना में स्टे ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में मलाना विजिट करने से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा सफर दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मलाना का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।